हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा ग्रुप से जुड़ा एक सेमीकंडक्टर स्टॉक जिसमें आए दिन अपर सर्किट लगने को हो रहा है। बट आप कहेंगे अरे अपर सर्किट लग रहा है तब आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस स्टॉक को 150 पे भी दिलवाया, 600 पे भी दिलवाया, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। इस वीडियो कम से कम एक साल से ट्रैक कर रहे हैं और कम से कम 8 से 10 बार वीडियो बना दी, आपके सामने प्रूफ दिख रहा है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि तेजी होने के बाद, आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए तब पता चलेगा कि हम आपके लिए कितने अच्छे अच्छे स्टॉक टाइम से देते आए हैं। और आज ये जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त 518 के पास चल रहा है। और इतना ही नहीं, विजय केडिया जो एक बिग इन्वेस्टर हैं उनका पसंदीदा शेयर है, उनके पोर्टफोलियो में 3.42% की होल्डिंग है। पहले टाटा ग्रुप ने इस शेयर को नहीं लिया था, मतलब इस स्टॉक का एक्विजिशन नहीं किया था, इस कंपनी का एक्विजिशन नहीं किया था, बट टाटा ग्रुप ने इसको लिया। तो कुछ तो है जहां पे सारी दुनिया इसको लेना चाहती है, तभी तो टाटा ग्रुप का ये शेयर बन गया। पहले तो टाटा ग्रुप का भी नहीं था। तो आप नाम गेस किए क्या, तो कमेंट बॉक्स में बता तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आखिर 150-200 के पास क्या कहानी थी, क्यों इसे फ्यूचर का स्टॉक कहा जाता था, वो समझेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे आज के डेट में हम सब लोग सेमीकंडक्टर का स्टॉक ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट में, जिसमें कि इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि फ्यूचर सेमीकंडक्टर का है। तो वहां पर ये स्टॉक एक डबल बोनंजा, क्योंकि एक ऑलरेडी फ्यूचर का ग्रोथ और उस पर आ गया दूसरा फ्यूचर। कौन सा ऐसा स्टॉक है, क्या है कहानी, किस तरीके से है, सब कुछ जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आएगा और कभी भी वीडियो मिस नहीं होगी। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। YouTube के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल और एबिलिटी हमें स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि एमबीए कैरिकुलम में भी पढ़ने को नहीं मिलती, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्कूल से ही पर्सनल फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, स्टूडेंट लोन लेने से रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए और जानकारी मिलती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब कि वाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल, बुक समरी में है। सबसे खास बात है इन बुक्स को खरीदने की जरूरत ही नहीं, कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सिर्फ यही नहीं, एक से एक बेहतरीन बुक्स है वो आप सुनकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज कीजिए मेरा कूपन कोड MA50 टू गेट 50% डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर वैलिड सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेमीकंडक्टर स्टॉक की तरफ। आप हमेशा पूछते हैं ना फ्यूचर के शेयर बताइए जो लॉन्ग टर्म में भयंकर वाला रिटर्न दे, तो प्रूफ तो देख ही चुके हैं 200 से 500 और अभी भी आगे की जर्नी है। टाटा ने इस कंपनी को एड इसलिए ही किया क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी 5G सेगमेंट में तो काम कर ही रही है और अभी इसने सेमीकंडक्टर में भी एंट्री मार ली है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी को स्मूथ वे में रन करने के लिए सेमीकंडक्टर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी करेंगे और अपने कॉम्पिटिटर को पीछे भी छोड़ेंगे। तो स्टॉक का नाम मैं आपको बताऊँगा, परेशान मत होइए, पहले मज़ा लीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही इस कंपनी ने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है जिसका नाम है सांख्य लैब प्राइवेट लिमिटेड, 64% की हिस्सेदारी ली है। और जब से न्यूज आई है तब से लग रहा है अपर सर्किट। तो अब दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनी क्या करती है जिसके कारण आग लग गई। तो देखिए, ये जो सांख्य की है इसकी स्थापना 2007 में ग्लोबल एक्सपीरियंस वाले टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर के द्वारा की गई थी। इसने सेल्यूलर वायरलेस,
ब्रॉडकास्ट रेडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड टर्मिनल के लिए सिस्टम और सेमीकंडक्टर उत्पादन की एक वाइड रेंज डेवलप की जो इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं। अभी देश में सिर्फ इसरो और DRDO ही दो ऐसी संस्था है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, लेकिन ये अपनी ज़रूरतों के लिए बनाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर सेगमेंट में ये पहली कंपनी होगी जो देश में कमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर काम होगा। अब सवाल आता है कि भैया ये होता क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक लाइन में बता देता हूँ। ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलरेनियम एक्स्ट्रा। और सेमीकंडक्टर का यूज क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। आज मोस्टली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर एक चिप की तरह यूज होता है, और इन चिप का उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, कार जैसी हर डिवाइस में होता है। तो यानी आसान भाषा में आप इन चिप को स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मास्टरमाइंड या माइंड कह सकते हैं, यानी एक दिमाग, क्योंकि इनके बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आज की डेट में देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $24 बिलियन के आसपास है, और उम्मीद है 2025 तक ये इंडस्ट्री $100 बिलियन की हो जाएगी। जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण पूरे ही देश में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हम अपने देश में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की मेन रीजन की बात करें, तो लॉकडाउन लगने की वजह से और इंटरनेशनल बॉर्डर के बंद होने की वजह से सेमीकंडक्टर चिप देश में इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। रिपोर्ट का कहना है कि देश में सेमीकंडक्टर चिप की खपत 15% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी एक तरफ जो ये डिमांड सप्लाई का गेम है, आप यही समझ लो कि भयंकर वाला है, और वहां पर शॉर्टेज है सप्लाई की और डिमांड बढ़ती जा रही है, और वहीं पर कहानी। तो गवर्नमेंट भी इस सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सेमीकंडक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए, थोड़ा लेट है बट ठीक है। पहला कदम है कि कैबिनेट ने देश को चीप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी। ऐसा माना जा रहा है कि ये स्कीम चिप के मामले में देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक बेहतरीन कदम होगा। तो सेमीकंडक्टर की इस डिमांड को देखते हुए प्राइवेट कंपनियों का दिमाग इस सेगमेंट पर आ गया, क्योंकि देश में 5G टेक्नोलॉजी का बूम आने वाला है, और 5G टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और इस कंपनी के साथ साथ एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियां भी 5G सेगमेंट में लीड करने में लगी, और इस कॉलेब से ये कंपनी 5G में खुद को मजबूती से स्थापित करती जा रही है। और आज की डेट में सांख के पास 73 इंटरनेशनल पेटेंट हैं। जी हाँ, कितने? 73। और ये अपने स्वयं के चिपकेट सेट के द्वारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का निर्माण कर रहे हैं। अब इनके लैब के साथ कॉलेब से जो ये कंपनी है जिसका नाम मैंने नहीं बताया है अभी तक, 5G सेगमेंट में पकड़ मजबूत होगा, विदेशों में भी इनका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। हालांकि आज की डेट में चीज़ें वायरलेस हो रही हैं, वायरलेस डिवाइस को बनाने में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, तो इस रीजन से इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी एक्सपेंड कर सकता है। तो उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि सांग लैब करता क्या है और ये कंपनी अपर सर्किट क्यों मार रहा है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है, तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब चलते हैं इस शेयर के करंट मार्केट सिनारियो पर। तो ये जो कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क, वो 2000 में शुरू हुई थी। कंपनी ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट में डील करती है। अपने अपने प्रोडक्ट को 75 देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यूटिलिटीज़, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को डिज़ाइन डेवलप सेल करती है। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि ऑप्टिकल नेटवर्क मार्केट प्रोडक्ट सेगमेंट में इनका 15% का मार्केट शेयर है, ऑप्टिकल एग्रीगेशन सेगमेंट में 36% का मार्केट शेयर है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ऑप्टिकल डेटा नेटवर्क के प्रोडक्ट से 88.9% का रेवेन्यू, सर्विस रेंडरिंग से 8.8% का रेवेन्यू, कंपोनेंट सेल से 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया से 61.1% का रेवेन्यू, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 38.9% का रेवेन्यू आता है।
कंपनी के अगर मेजर कस्टमर में आप बात करते हो तो BSNL क्रिटिकल इंफ्रा का नाम शामिल है, क्योंकि इनका जो मोस्टली रेवेन्यू है यहीं कंज्यूमर से आता है। क्रिटिकल इंफ्रा से 64.7% का रेवेन्यू, BSNL से 35.3% का रेवेन्यू आता है। ये इनके लिए थोड़ा परेशान करने की बात है, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट पूरा रेवेन्यू सिर्फ इन्हीं दो कंपनियों से आ रहा है। अगर किसी कंडीशन में अगर कस्टमर से कोई परेशानी होती है तो सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर आएगा, प्रॉफिट पे आएगा। वहाँ पर अगर आप इनका ROC देखो तो 3.14, ROE देखो तो 4.24 है, जो कहीं से उतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। वहीं पे स्टॉक PE 280 है, लेकिन इंडस्ट्री PE 94.3 है, यानी काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। अगर कंपनी पे डेट देखते हो तो 23.2 करोड़ का है, जो बहुत ही मामूली डेट है, कहीं से अच्छा मतलब कंपनी पे उतना ज़्यादा आप डेट नहीं कह सकते हो। वहीं पे इनका नेट इनकम देखो लगातार बढ़ रहा है, 2020 में गिरावट आई थी यानी लॉस में थे, फिर 2021 में लॉस से कवर हुआ है, और अब आगे उम्मीद करते हैं ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो ROC और जो ROE है वो इनका पुअर है, राइट। बट एक्चुअली ये क्या कंपनी हुई, इस पे जो दाव लग रहा है वो फ्यूचर का दाव लग रहा है, क्योंकि ये काम बिल्कुल इसी तरीके से कर रही है, और यही वो रीज़न है जिसके कारण टाटा ग्रुप ने इनको लिया भी था। यही कारण है कि विजय केडिया जैसे इन्वेस्टर इसको पकड़ के बैठे हुए हैं, और ये चीज़ें टाइम टू टाइम प्रूफ भी होके आ रही हैं। यानी इस स्टॉक में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ROC ROE, जो किसी अच्छी कंपनी में माना जाता है कि जब 20% के ऊपर हो तो वो बहुत अच्छा काउंट होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इस स्टॉक को आप आगे आने वाले वक्त में एक अनदर लेवल पे देख सकते हो। बट कहानी यही है कि हमें 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, इस पे भी मैं रोशनी डालना चाहूंगा। रोशनी इस तरीके से कि जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने प्रूफ दिखाया कि इस स्टॉक को हम एक लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं, जहां पे 150-220 के ऊपर भी दिलाया, उसके बाद क्या हुआ, इस स्टॉक ने 570 का हाई मारा, फिर क्या हुआ, साइडवेज होते होते इस स्टॉक ने लो लगाया 360 का भी। लोग परेशान हो चुके थे जब ये स्टॉक चल नहीं रहा था, गिर रहा था, अरे सर क्यों गिर रहा है, अरे क्या है। तो ये समझने की ज़रूरत है, जहां पे मैंने वैल्यूएशन से दिखाई कि इसके वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए, बट आपने क्या देखा, ROC ROE उतना तगड़ा नहीं है, कंपनी लॉस में चली गई थी, फिर लॉस से बाहर आई है, फिर इसका बीच में एक और इशू भी आया था जिसको हमने कवर किया था। तो कई तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं। वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट कौन है, तो मैनेजमेंट अब आ गया टाटा ग्रुप। वहाँ पर ये काम क्या कर रहे हैं, तो फ्यूचर का काम कर रहे हैं, 5G का, अब क्या आ गया सेमीकंडक्टर का। तो क्या आते ही तुरंत में सब कुछ हो जाएगा, नहीं ना, यानी एक बेस क्रिएट कर रहे हैं, और वो बेस हमें कहाँ लेके जाएगा, फ्यूचर में लेके जाएगा। जैसे आज हम लोग कहते हैं टाइटन है, बजाज फाइनेंस है, क्या है, मल्टीबैगर है, राइट, मल्टीबैगर रिटर्न दिया। तो जब हम उस कंडीशन में, चाहे टाइटन था, बजाज फाइनेंस था, वो भी खुद इस तरीके से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे कई सारी अच्छी चीज़ें आ रही थी, कई सारी खराब चीज़ें आ रही थी, और उन चीज़ों से जूझते हुए वो आगे बढ़े। तो सेम कहानी जैसे ये आज चल रहा है, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ ऊपर जाता है, वो वापस एक वक्त के बाद जैसे ये न्यूज़ ठंडी होगी, वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर हमारा विजन 5 साल का है, तब ही हम किसी स्टॉक को अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, वरना फिर वही कहानी कि हम हो जाएंगे परेशान और कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्रिस्टल क्लियर मैंने क्लियर कर दिया कि तेजस नेटवर्क एक ऐसा शेयर जो 5G सेमीकंडक्टर पे प्रॉपर काम कर रहा है, जहां पे टाटा ग्रुप इनके पीछे खड़ा है, बिग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है, वहाँ पर अगर आपका विजन 5 to 10 years का है तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए पहले से। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो महंगा शेयर तो है भाई, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अपने हिसाब से इसको देखिए और किसी भी घोटाले में लेने के बारे में सोचिए, और वीडियो को इतना सारा शेयर कीजिए कि घर घर पहुँचे, लोग सीखते रहे, कमाते रहे, और भाई को दुआ में याद करते रहे। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए।